जैसे ही गर्मी का मौसम आ जाता है तब कोंकणी घरों में पापड़ और उड़द दाल की बड़ी या वड़िया ये तो बनता ही है। ये वड़ी बनते हैं पेठे से, मतलब ऐश गॉर्ड से, जिसे कोंकणी में कुवाड़े भी बोलते हैं। दाल और चावल के साथ ये तले हुए वड़िया एकदम ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसे बनाकर धूप में सुखा लेते हैं, ये साल भर चलता है। इन सूखी हुई वड़ियों को तेल में तल कर इसका स्वाद लेते हैं, इसलिए हमने ऐश गॉर्ड लिया है। इस पेठे को धोकर काट लेंगे। इसके बीज और छिलके निकाल लेंगे। आज मैं इन वड़ियों को ओवन में बनाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे आजकल धूप नहीं आ रही है, सर्दियों का मौसम है ना, इसके लिए। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। इस पेठे में बहुत लिक्विड कंटेंट होता है, इसलिए इसको निचोड़कर इसका पानी निकाल लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप कटा हुआ पेठा लिया है। इस पानी को फेंकिए नहीं, इसे मसाला बनाने में यूज़ करेंगे। अब हम वड़ी का मसाला बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक मिक्सर जार में 4 टीस्पून लाल मिर्ची, 1.5 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून हींग पाउडर और 2 टीस्पून पेठे का पानी जो हमने स्क्वीज करके लिया था वो डाल दिया है। अब ग्राइंड कर लेंगे। ये मिक्सचर थोड़ा सूखा लग रहा है, इसमें बचा हुआ 1 टीस्पून पेठे का पानी डाल देती हूँ और फिर से ग्राइंड करती हूँ। ये 1/2 कप उड़द दाल है, इसे अच्छे से धोकर मैंने रात भर भिगा के रख लिया था। इसे पानी के बिना पीसना है, अगर मिक्सर अटक जाए तो थोड़ा सा पानी डाल देना, पर इसे कम से कम पानी यूज़ करके ग्राइंड कर लेना है। ये उड़द दाल का पेस्ट बन गया है। अब इसमें डालेंगे पीसा हुआ मसाला, 1/4 कप कटे हुए कड़ी पत्ते, 1/2 टीस्पून राय के दाने, 1.5 टीस्पून नमक और कटे हुए ऐश गॉर्ड। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। मैंने एक ओवन ट्रे को पार्चमेंट पेपर से लाइन किया है। पार्चमेंट पेपर को बटर पेपर भी बोलते हैं। इस पे ये सारी वड़ियों को लगा देंगे इस तरीके से। अगर आपके यहाँ अच्छी धूप है तो आप इन वड़ियों को धूप में सुखा सकते हैं, पर यहाँ धूप नहीं है तो इसलिए मैं इसे ओवन में सुखाऊंगी। इन वड़ियों को पार्चमेंट पेपर में सेट कर दिया है, ओवन को कीप वार्म सेटिंग में लगा दिया है। मुझे इन वड़ियों को अच्छी तरह से सुखाने के लिए 3 घंटे लगे कीप वार्म सेटिंग में। अगर आपके ओवन में कीप वार्म सेटिंग नहीं है तो सबसे लो टेम्परेचर पर इन वड़ियों को सुखा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कीप वार्म सेटिंग ऑन कर दिया है और ओवन के अंदर ये सब वड़ियों को डाल दिया है, और अब ये 2-3 घंटे तक इसमें ड्राई होता रहेगा। जब घर में कोई सब्जी नहीं बनती तब दाल चावल के साथ ये एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उसी तरह जैसे अचार होता है। इन वड़ियों की कड़ी भी बनती है। मुझे हर साल मेरी मम्मी, आई और मामी ये सभी वड़िया देती हैं जब मैं इंडिया विज़िट करती हूँ, पर ये वड़िया जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ सर्दियों में धूप नहीं रहती, इसलिए इन वड़ियों को सुखाने का एक प्रॉब्लम ही है, पर मैंने इसका जुगाड़ निकाला है और ओवन में कीप वार्म सेटिंग में मैंने इन्हें सुखाया है। तो अभी सर्दी हो या बारिश, वड़िया जब चाहे तब बना सकते हैं अगर आपके पास ओवन है तो। वड़िया एकदम अच्छे से सूख के निकले हैं और इनका रंग भी बहुत अच्छा दिख रहा है। आप इन वड़ियों को स्टोर करके रख सकते हैं कंटेनर में। इन वड़ियों को तेल में तलकर खा सकते हैं। इसकी कड़ी भी बनती है, उस कड़ी की वीडियो जल्दी ही आ रही है। यहाँ मैंने कड़ी की पिक्चर डाली हुई है। आप इन वड़ियों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।